मुरादाबाद के थाना मंजूला क्षेत्र निवासी एक दंपत्ति ने एसएसपी के सामने पेश होकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। इनका आरोप है कि लड़की पक्ष ने लोग उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मंजूला थाना क्षेत्र के लाकड़ी फजलपुर निवासी रीना सैनी और शोभे शर्मा ने एसएसपी मुरादाबाद के सामने एक प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि दोनों पति पत्नी को अपनी जान का खतरा है, क्योंकि उन्होंने पिछले साल मंदिर में शादी कर ली थी। उसी समय से लड़की पक्ष के लोग शोभित को जान से मारने की धमकी देते आ रहे हैं, जिसे लेकर आज दोनों लोग सुरक्षा के लिए एसएसपी के सामने पेश हुए। हमारे घर वाले हमें मारने की धमकी दे रहे थे जान से। क्यों मारने की धमकी दे रहे हैं? क्योंकि हम एक शादी करना चाहते थे दोनों अपनी मर्जी से, इसलिए हमें मारने की धमकी दे रहे थे। शादी किससे करी है, क्या नाम है उनका? उनका नाम शोभित शर्मा है। अच्छा, कोर्ट मैरिज की है। उसके बाद एसएसपी साहब के हम आए थे ताकि हमें साथ सुरक्षित रहें। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बस हम सुरक्षित रहें और हमारे घर वाले हमें कुछ ना कहें। बस किससे खतरा आपको? घर वालों से, मेरे घर वालों से खतरा है। पापा से? किससे खतरा? भाइयों से, पापा से। क्या कहा आपसे? कि मतलब किसी ने आपको फोन करा है, क्या बोला गया आपसे? जान से मारने की धमकी दी थी जब शादी के लिए कहा था तो। क्या बोला था आपसे? उससे बोला था कि जान से मार देंगे। किसने कहा था आपसे? ये मेरे दोनों भाइयों ने बोला था। आपके भाइयों ने कहा था? अब आप कहाँ पर आएंगे मिलने? कहाँ, किस जगह खड़ी हैं आप? कहाँ पर आएंगे? एसएसपी ऑफिस के सामने कचहरी। शोभित शर्मा है। अच्छा, किससे आपने शादी करी है, क्या नाम है इनका? मैंने रीना सैनी से शादी की थी और इसी के लिए इसके घर वाले मेरे को मारने की धमकी दे चुके हैं। शादी कब करी है, कितना मतलब? सर, शादी तो हमने की थी, मंदिर में शादी की थी, उसका रजिस्ट्रेशन कराया था हमने 12/4/2018 को। उसके बाद इसे नज़रबंदी, मतलब एक तरीके से इसे मिलने नहीं दिया गया मुझसे, जिसके कारण हम दोनों आपस में मिल नहीं पाए। आज हम दोनों को समय मिला, इसलिए हम एसएसपी ऑफिस कचहरी में सर के पास आए, वहाँ अपना प्रार्थना पत्र सौंपा है हमने। किसी खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया है? प्रार्थना पत्र इन्होंने सौंपा है अपने घर वालों के खिलाफ। किससे खतरा मानते हैं? इनके दो भाई हैं, प्रेम सिंह सैनी और राहुल सैनी, जिनसे हमें खतरा है। क्या कहा उन्होंने, क्या बोला गया? उन्होंने अधिकतर यही, अभी तक यही कहा गया है कि हम तुझे मार देंगे अगर ऐसा कुछ किया तो। एक बार पहले भी कर चुके हैं वो मेरे साथ। फोन करके पहले एक बार धोखे से मुझे बुलाया था, एक राम सैनी है उनके जरिए। मैं उनके घर गया, वहाँ पर मुझे बैठाकर कोई डराना धमकाना, मारा भी गया मेरे को। उसके बाद थाने भी नहीं जाने दिया मुझे। यही कारण रहा कि जिसके कारण मुझे यहाँ एसएसपी दफ्तर आना पड़ा। सर को अपना शिकायत हाँ दी है मैंने। क्या बोला गया? सर ने बोला है कि मैं चिट्ठी भेजता हूँ थाने को, उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या चाहते हैं आप? बस हम लोग सुरक्षा चाहते हैं, हम दोनों खुश रहें, हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है कि हम किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहे, ना हमारी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे।